भोपाल के उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार इन्हें गलत नियम के आधार पर अपात्र घोषित कर रही है। चयनित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दिया है कि यदि उनकी मांग गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो आंदोलन करने को बाधित होंगे। कभी कोविड का हवाला दिया जाता है तो कभी नियम कायदों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाता है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि इन्हें तत्काल नियुक्त किया जाए। मैं नैन्सी वर्मा हूँ, सीहोर से। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में चयनित हूँ, मेरिट होल्डर हूँ। मैं माननीय महोदय जी से इतना ही चाहती हूँ कि बस जो नियम है, जो NCT के नियम हैं, जो सारे भारत के लिए लागू होते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं हो रहे, और उस नियम के लागू ना होने की वजह से हम चयनित होने के बाद भी हमें अपात्र घोषित किया जा रहा है। हमारी मांग यही है, हम कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे कि बस जहां आपने 2018 में 4 साल का रिलैक्सेशन दिया था, वहां हम 4-6 महीने का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। बस हमें पात्रता मिले और हमें चयन किया जाए। हमारा मैं नैन्सी वर्मा हूँ, सीहोर से। मैं उच्च माध्यमिक